जी, तो नेक्स्ट हमारे पास जो आया है टॉपिक वो है हाउ डू यू से इट इन इंग्लिश, हाउ डू यू से इट इन इंग्लिश, हाउ डू यू से इट इन इंग्लिश, इंग्लिश में हमें किसी चीज को कैसे कहते हैं। यू नीड फाइव स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर, ड्रा समथिंग दैट यू लाइक रीडिंग अबाउट ऑन ईच। Do you know how to say those things in English? If you don't know the word in English, you can use a dictionary or a computer or a mobile phone, or you can ask your teacher. Write the English word on the back of each picture, then teach your words to a partner. How do you say this thing in English, right? This is a volcano. This is a volcano. यानी ये एक आपने बनाएंगे पहले किस तरह की चीज, और फिर अपने पार्टनर से पूछेंगे, अच्छा भी आप बताओ इसको क्या कहते हैं, तो वो आपको कहता है वॉल्केनो, वॉल्केनो। वॉल्केनो एक होता है आतिशफिशां पहाड़। फिर ये इस तरह ये वाला एक बनाएंगे, फिर ये इस तरह बनाएंगे, फिर ये इस तरह बनाएंगे। कोई भी आप चार चीजें बना के ना, फिर पूछेंगे अपने, अभी हम चार पीसेस लेंगे पेपर के, उनके ऊपर कोई एक डायग्राम बनाएंगे, दूसरे से पूछेंगे अच्छा जी ये क्या चीज है, और फिर उसको इंग्लिश में वो बताएगा कि ये इंग्लिश में ये चीज है, राइट। ये एक्सरसाइज करने वाली है, ठीक है, तो हम पेपर पे करके देखेंगे इसको। फिर अगला है राइट योर ओन वर्स, राइट योर ओन वर्स, कि आप खुद अपनी तरफ से कोई एक जाना ये लिखेंगे नज्म। वुड यू लाइक रीडिंग अबाउट, यूज द वर्ड्स दैट यू एंड योर पार्टनर लुक अप इन एक्टिविटी टू। टू फिनिश दीज सेंटेंसेस देन सिंग योर ओन वर्स। हमने एक गाना सा बना के करना है। व्हेन आई ओपन अप अ बुक ईच पेज विस्पर्स लुक लुक लुक, व्हेन आई ओपन अप अ बुक ईच पेज विस्पर्स लुक लुक लुक। अब ये एन 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 स्टोरीज ऑफ, ये व्हेन आई ओपन अप अ बुक ईच पेज विस्पर्स लुक लुक लुक। फाइंड दीज वर्ड्स इन द स्टोरी, ओपन रीड व्हेन, प्रैक्टिस स्पेलिंग देम। हमने स्टोरी में ना देखने हैं ये लफ्ज जो हैं कौन से, ओपन रीड और वेन, इनकी स्पेलिंग्स भी फिर हमने आस्ता आस्ता एक दफा दो दफा तीन दफा लिखने, 5 times इसको इस लफ्ज को हमने लिखना है। ओपन ओपन, रीड रीड, वेन वेन, राइट। ये हमने 5 5 दफा लिखने हैं। ये लफ्ज़ जो है ना हमने पहले स्टोरी में ढूंढने हैं, जो पहले स्टोरी हमने पढ़ी है ना, इसमें 13 14 15 पे, बल्कि 14 15 16 पे हमने जो पढ़ी है ना, इसमें हमने ये वर्ड्स ढूंढने हैं और फिर इनको लिखना है, ठीक है। फिर अगला जो है हमने क्या ये देखना है कि चूज अ प्रोजेक्ट, व्हाट कैन यू फाइंड इन अ बुक, मेक अ पोस्टर, things we like reading about, think of a lot of things you can you like reading about, write words and draw pictures on the poster. If you don't know a word in English, look it up. Teach your class the new words on your poster. आपने posters बनाने हैं, मसलन आपने ये वाला poster बनाना है, उसके साथ ही लिखना dinosaur, और फिर अपने क्लास में अपने सबको जाके सबको दिखाना है, एक पोस्टर पे डायनासोर बना के बताना है डायनासोर। फिर ये फुटबॉल एक बनाना है, और ये फिर आप उसके बाद जाके क्लास में सबको बताना भी, देखो दिस इज फुटबॉल। फिर ये बनाना है आपने, और रोबोट एक पेज पे छोटे से पेज बना के पोस्टर साइक बना के बताना है कि दिस इज रोबोट, राइट। फिर आगे आ जाता है मेक वर्ड कार्ड्स फॉर योर क्लासरूम, वर्ड कार्ड्स बनाने हैं हमें क्लासरूम के लिए, राइट। मेक सम वर्ड कार्ड्स, राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स इन योर क्लासरूम, लुक इन द पिक्चर डिक्शनरी ऑन पेज 137। 137 जो है इसका निकालें, उस पर तो हम देखेंगे पिक्चर डिक्शनरी है, और उसमें से हमने बनाने हैं फिर ये, ठीक है।
जैसे ए स्टिक ईच वर्ड कार्ड ऑन नियर द ऑब्जेक्ट, टीच द वर्ड्स टू योर क्लास, प्ले प्लीज से प्लीज, पॉइंट द क्लॉक प्लीज, पॉइंट द क्लॉक प्लीज, हमने ये सारी चीज़ों पे ये लिखना है। जैसे ये क्लॉक है, क्लॉक के साथ हमें लिखना है क्लॉक, वॉल वॉल पे लिखना है। फिर इसी तरह ये सारी चीज़ें, हैंगर है, राइट कोट है, ये वट एवर हमने पेज 137 से देख के बनाने हैं, ठीक है जी।